जय हिंद दोस्तों। तो आज का वीडियो मैं दिखाने वाला हूँ लकड़ी का गेट, लकड़ी का खिड़की कैसे पेंट करना है। तो मैं फुल प्रोसेस दिखाऊंगा कैसे प्राइमर करना है, कैसे पेंट करना है। तो ये है एशियन पेंट का ट्रू केयर वुडन प्राइमर, तो बहुत ही अच्छा प्राइमर है दोस्तों। तो इसका MRP है 209 रुपीज़। तो दोस्तों प्राइमर को पहले खोल के, प्राइमर थोड़ा गाढ़ा रहता है तो इसको अच्छा से पहले मिला लेना है कोई एक घंटा से। तो अच्छा से मिला लेने के बाद दोस्तों इसको एक खाली डिब्बा में आधा ले लेंगे। ले लेने के बाद दोस्तों इसमें 50 ml जैसा पार्किन ऑयल मिलाना है, क्योंकि ये बहुत मोटा रहता है तो इसमें 50 ml पार्किन ऑयल मिलाना है। तो मिला के दोस्तों इसको अच्छा से मिला लेना है, मिला के पहले प्राइमर रेडी कर लेना है। तो दोस्तों ये हम लोग का प्राइमर रेडी हो चुका है, अब मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों लकड़ी का गेट पेंट करने से पहले एक सैंडिंग पेपर से, 150 नंबर सैंडिंग पेपर से अच्छा से गेट को घस लेना है, सैंडिंग कर लेना है। अच्छा से सैंडिंग हो जाने के बाद इसको एक सूखा ब्रश से अच्छा से झाड़ लेना है। दोस्तों ये गेट का पेंट बहुत पुराना हो गया है, इसलिए फिर से इसको प्राइमर करना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों अगर आपका नया डोर रहा तो आप उसको डोर को घसने के बाद डायरेक्ट उसके ऊपर प्राइमर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको 2 कोट प्राइमर अप्लाई करना है 5 से 6 घंटा गैप देके, उसके बाद ही आपको पेंट करना है। पेंट करने से पहले दोस्तों प्राइमर को अच्छा से सैंडिंग कर लेना है, फिर से 150 नंबर वाटर पेपर से सैंडिंग कर लेने के बाद, झाड़ने के बाद ही उसके ऊपर पेंट करना है। दोस्तों एक जोड़ पेंट करने में आपको 1 लीटर प्राइमर और 1 लीटर पेंट का ज़रूरत पड़ेगा डबल कोट करने में। तो दोस्तों ऐसे प्राइमर अच्छा से अप्लाई हो जाने के बाद अच्छा से ब्रश को मिला के अप्लाई करना है दोस्तों प्राइमर, क्योंकि जहाँ से पेंट अगर गिर रहा है तो उसको ब्रश से फिर से टांग लेना है। तो अच्छा से प्राइमर हो जाने के बाद दोस्तों इसके 5 से 6 घंटा सूखने देना है। तो 5 से 6 घंटा सूख जाने के बाद इसके ऊपर पेंट करेंगे। तो दोस्तों इसमें पेंट किया हुआ था इसीलिए मैं 1 कोट प्राइमर ही कर रहा हूँ। तो आपका अगर नया गेट रहे तो डबल कोट प्राइमर करने से अच्छा फिनिशिंग आएगा, आपको डबल कोट प्राइमर करके पेंट करने से बहुत ही अच्छा ले जाएगा, फिनिशिंग आएगा। तो दोस्तों ये प्राइमर मेरा मार्केट रेडी हो गया है गेट, तो मैं अब इसको 5 से 6 घंटे बाद पेंट करके आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे पेंट करना है, कौन सा पेंट करना है। दोस्तों ये है एशियन पेंट का एपकोलाइट ग्लॉस प्रीमियम एमुलेशन। तो दोस्तों इसका MRP रेट है 269। तो दोस्तों पहले इसका ढक्कन को अच्छा से खोल लेना है, खोल के एक अच्छा से लंबा लकड़ी देख के पेंट को अच्छा से खोल लेना है। तो दोस्तों ये जो पेंट है इसका पेंट का कलर है गोल्डन ब्राउन, कलर का नाम है। तो दोस्तों ये पेंट ऐसे एक डिब्बा में आधा ले लेना है, और लेने के बाद थोड़ा सा इसमें टारपिन ऑयल मिलाना है 50 ml जैसा। तो दोस्तों 50 ml से थोड़ा कम होने से भी चलेगा, ज़्यादा टारपिन ऑयल नहीं मिलाना है। तो ऐसे करके अच्छा से मिला लेने के बाद इसको अब अप्लाई करके मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों ऐसे करके अच्छा से 1 कोट पहले मैं इस डोर को पेंट कर लेता हूँ। तो आपको भी ऐसे करके अच्छा से पूरा डोर में 1 कोट पेंट अप्लाई कर देना है। पूरा डोर में 1 कोट पेंट अप्लाई हो जाने के बाद दोस्तों इसको 5 से 6 घंटा सूखने देना है, उसके बाद फिर इसको डबल कोट अप्लाई करना है। तो दोस्तों पेंट करने से पहले हमेशा याद रखिएगा नीचे पेपर या फिर कोई कार्टून नीचे बिछा दें, क्योंकि पेंट नीचे गिरने से फिर छूटता नहीं है। तो अच्छा से पहले नीचे सब पेपर लगा दें, उसके बाद ही पेंट करें। तो दोस्तों ऐसे करके 1 कोट अप्लाई होने के बाद इसको 5 से 6 घंटा सूखने देने के बाद फिर डबल कोट अप्लाई करना है।
और ये जितना पैनल है सादा सादा जो दिख रहा है इसको मैं छोड़ देता हूँ। डबल कोट पेंट हो जाने के बाद इसका ऊपर मैं पेल क्रीम, लाइट कलर जो होता है क्रीम कलर, वो अप्लाई करूँगा। तो मैं उसको भी दिखाऊँगा कैसे अप्लाई करना है। तो दोस्तों ये डबल कोट हो चुका है दरवाज़ा खिड़की पेंट, तो ये है डॉन कलर। तो ये डॉन कलर मैं पैनल सब में दे दूंगा, ऐसे करके आस्ते आस्ते करना है दोस्तों, क्योंकि पैनल सब में जैसे नीचे मटेरियल ना आ जाए, अगर आ भी जाता है तो हाथ में कवर रखना है, उससे पोंछ लेना है। और इसमें कोई तारपीन ऑयल अप्लाई नहीं करना है, इसमें तारपीन ऑयल नहीं मिलाना है, क्योंकि दोस्तों ये मोटा थोड़ा रहना चाहिए, नहीं तो फिर नीचे आ जाएगा। तो ऐसे करके इसको भी 6 घंटा गैप देकर डबल कोट कर लेना है। तो दोस्तों ये गेट पेंट हो चुका है, डबल कोट सब अप्लाई करके रेडी हो चुका है। तो अगर आपको भी अपना घर का पेंट करना है तो ऐसे आप खुद का हाथ से भी कर सकते हैं ये वीडियो देख के। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं पेंट रिलेटेड वीडियो इस चैनल में अपलोड करते रहता हूँ। कोई भी पेंट रिलेटेड अगर कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं।